नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, वो कौन सी एक चीज है जिसे जेब में रख कर घर से यदि आप निकलते हैं तो लोग दीवाने हो जाते हैं आपके, लोग तरसने लगते हैं कि आपसे वो कैसे मित्रता करे, आपसे कैसे दोस्ती करे। जी हाँ मित्रों, हर कोई चाहता है, या महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की, चाहता है वो अट्रैक्टिव दिखना। वो चाहता है कि लोग उससे दोस्ती करें, अधिक से अधिक लोग उसकी बात सुने, समझे, उसके करीब रहना चाहें। कोई भी नहीं चाहता कि जहाँ उसकी इज्जत ना हो, उसे फटकारा जाए, उस वो जो बोल रहा है उसकी कोई कदर ना हो। ऐसी इच्छा किसी के मन में नहीं होती। हर कोई सौ में एक दिखना चाहता है, यहाँ तक कि लीडरशिप क्वालिटी हर कोई चाहता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आए, जो आप बोलना चाह रहे हैं लोग ठहरे, सुने और समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो। यदि आप ऑफिस में, दफ्तर में काम कर रहे हैं, बस एक चीज़ अपनी जेब में रखें और तब आप घर से निकलें और देखिए कैसे बॉस आपके काम के फैन हो जाते हैं। आप कम भी काम करेंगे ना, फिर भी आपकी बहुत अधिक प्रशंसा होगी। ये एक चीज़ आपको केवल नाम और शोहरत नहीं, अट्रैक्शन पावर देगा। लोग आपकी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगेंगे। चाहे कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो आपके सामने, आपकी काबिलियत उस पर पड़ने वाली है भारी। ये एक चीज़ यदि आप रख कर निकलते हैं अपनी जेब में। जी हाँ मित्रों, यदि हमारा सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, दफ्तर में आप कितने भी अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई में बहुत अच्छे क्यों ना हो, मार्क्स उसके अच्छे आएंगे जिसका सूर्य थोड़ा ज़्यादा मजबूत है आपसे। यही कारण है गुरु बृहस्पति भी यदि कमज़ोर पड़ जाता है तो मनुष्य का अट्रैक्शन पावर कम हो जाता है। लोग उसकी बातें नहीं सुनना पसंद करते, उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जिसे आप यदि अपनी जेब में रखते हैं तो आपको सूर्य हो या गुरु हो या कमज़ोर पड़े आपका शुक्र, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग तरसेंगे आपसे दोस्ती करने के लिए, आपकी ओर लगातार अट्रैक्ट होंगी। ये एक प्रकार का वशीकरण भी है, ये स्त्री वशीकरण भी है और पुरुष वशीकरण भी है। यदि कोई महिला करती है इसे तो पुरुष अधिक से अधिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और पुरुष करते हैं तो भी स्त्री वशीकरण भी इससे स्वतः संभव है। उससे पहले जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, जब हमारी कोई बात नहीं सुनता है, हमसे दोस्ती कम करना चाहता है, या आप बार बार किसी को फ़ोन करते हैं और वो फ़ोन उठाने तक में दिलचस्पी नहीं ले रहा, तब आपके दिल पर क्या गुजरती है यह केवल आप ही समझते हैं। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, हर एक छोटा सा अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग, और देखें कैसे लोग तरसेंगे आपके करीब आने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों, यह उपाय आपको किस दिन से प्रारंभ करना है और कैसे करना है। मित्रों, इस उपाय में जो चीज़ रखनी है उसे रखनी है अपनी जेब में। इस प्रकार जो पुरुष भाई हैं हमारे, वो तो अपने जीन्स के फुल पैंट के पॉकेट में रख सकते हैं, यहाँ तक कि कुर्ता में भी वो रख सकते हैं, क्योंकि उसमें होती है उनकी जेब। यदि महिला यह उपाय कर रही है तो इस चीज़ को नहीं रखना है अपनी पर्स में, वो भी कोई ऐसा कपड़ा पहने या जीन्स पहने, या आप जीन्स नहीं वेयर करती हैं तो आप कोई ऐसा कपड़ा पहने जिसमें एक पॉकेट अवश्य हो, क्योंकि इसका सीधा संबंध पॉकेट से होता है, इसे पर्स में नहीं रखना। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में जब भी कोई चीज़ हम पर्स में रखते हैं तो हमारा शुक्र एक्टिव होता है, और जब भी कोई चीज़ हम अपनी जेब में रखते हैं तो उसका संबंध मंगल से और गुरु से होता है। यह उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इसे रखनी है अपनी जेब में। आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ रविवार से प्रारंभ करनी है, यानी संडे के दिन से प्रारंभ करनी है। मित्रों, आपको लेनी है 7 सफ़ेद कौड़ी। जी हाँ मित्रों, पूजा की सामग्री जिस शॉप पे मिलती है वहाँ बड़ी ही आसानी से आपको कौड़ी मिल जाएगी। कौड़ी पीले रंग की भी होती है और सफ़ेद भी। आपको लेनी है सफ़ेद कौड़ी। कौड़ी स्वच्छ हो, टूटा फूटा ना हो, काली ना पड़ी हो, उसमें कोई भी दाग धब्बे ना हो। 7 सफ़ेद कौड़ी लेकर आप संडे के दिन स्नान कर लें, कौड़ी को दाहिने हाथ में रखें और भगवान सूर्य को एक बार नमन करके इसे अपनी जेब में रख लें, और आप दिन भर इसे अपनी जेब में ही रहने दें। चाहे आप जहाँ भी जा रहे हों, दफ्तर जा रहे हों, किसी के घर जा रहे हों, यूं ही मार्केट निकल रहे हों,
कौड़ी आपकी दिन भर आपकी जेब में ही रहेगी। रात्रि में सोते वक्त इस कौड़ी को जेब से निकालकर किसी भी साफ सुथरे स्वच्छ जगह पर रख दें और फिर पुनः स्नान करके सोमवार के दिन इसे अपने जेब में रख लें। मित्रों, रविवार से प्रारंभ करके पूरे 7 दिनों तक आपको कौड़ी को अपने जेब में रखना है, निरंतर रखना है, यह सिलसिला टूटे नहीं। यदि महिला कर रही है यह उपाय और उनके बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तब यह उपाय बीच में ही छोड़ दें। उसके बाद जब आप हेयर वॉश कर लेती हैं उसके बाद पुनः रविवार के दिन से इसे 7 दिनों के लिए फिर से प्रारंभ करें। मित्रों, केवल 7 दिन आप इस कौड़ी को पूरे दिन हर कार्य के दौरान अपनी जेब में रखें और देखें कैसे अट्रैक्शन पावर बढ़ता है आपका, कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। तो अवश्य करें मित्रों, और अपना आकर्षण स्वयं बढ़ाएं। लोग सच में तरस जाएंगे आपके करीब आने के लिए, आपसे मित्रता करने के लिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।